भाभी जी नंबर वन की सेफ्टी के लिए परेशान मत होइए। अगले 24 घंटे में उनकी सेफ्टी एकदम पक्की है। अगले 24 घंटे में ऐसा कौन सा तीर मारने वाले हो? अगले 24 घंटे में आप जाएंगे जेल और आपके जेल जाते ही उनकी जान पर से खतरा हट जाएगा। अरे भाभी जी नमस्ते, आपके पास अपने पति के साथ वक्त बिताने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं, क्योंकि उसके बाद बड़े भैया जाएंगे सलाखों के पीछे। किसी और के साथ निकाह कर ही लिया है तो फिर उसका इस घर में रहने का क्या हक है? सही, इस घर को बचा लो बेटा। जीनत, ये सॉरी, वो मैं कुछ सोच रहा था। हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, कॉफी से नींद उड़ जाती है, इसीलिए आपके लिए हॉट चॉकलेट बनाई थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जीनत के नाम से बुलाया। नाम दिल में था तभी तो जुबां पे आया है ना। जाने दीजिए साहिर, ये नाम तो हम दोनों की जिंदगी का एक सच है। हम दोनों के बीच खड़ी एक कांच की दीवार, पर इस दीवार की अब तो हमें आदत सी हो गई। वैसे भी आप ही ने कहा था ना कि हम कुछ भी कर ले, लेकिन सीना जैसे नहीं बन सकते। हम तो सही से आपके लिए हॉट चॉकलेट भी नहीं बना सकते। हाँ कहा था, आज भी वही कहूंगा, तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी सीनत की तरह नहीं बन सकते, क्योंकि तुम तो आरजू हो। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी हिम्मत तुम्हें दुनिया में सबसे अलग बनाती है, सबसे ऊपर। और अगर तुम किसी और की तरह बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तुम जैसी भी हो, मेरी हो, अच्छी हो। और रही बात जीनत की, तो हॉट चॉकलेट तो क्या उसने मुझे कभी पानी तक नहीं पूछा। वो रात बहुत हो गई, हम सो। रात बहुत हो गई है तो बहुत रात बाकी भी है। हम जानना चाहते हैं आपकी और जीनत की जिंदगी के बारे में, आपकी और जीनत की कहानी, आप दोनों के रिश्ते के बारे में, कैसे टूटा, क्या हुआ। इतना तो हक बनता है ना हमारा। पहुंच जाऊंगी, तुम्हें पता है ना मेरे बिना तो पार्टी शुरू नहीं होती। ऑफ कोर्स ही इज कमिंग, वो आ रहा है, मेरे बिना कहां रह सकता है वो। या आई विल सी यू, बाय। ज्योति की पार्टी है ना, तो मुझे लेट हो रहा है, जरा अपनी कार कीज देना साहिर। ये मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, हम लोग ड्राइव पे चलें, उसके बाद खाना खाने चलेंगे, डिनर पे चलते हैं।
साहिर मैं ज्योति को ऑलरेडी बोल चुकी हूँ और वैसे भी हम डिनर पर जाकर करेंगे क्या? हाँ अरे क्या करेंगे मतलब, बैठेंगे खाएंगे बातें करेंगे। तुम्हारी इन बातों से अब मैं बोर हो चुकी हूँ। वही पुरानी ओल्ड फैशन शायरी, फॉर गॉड सेक आई वांट टू एंजॉय विद माय फ्रेंड्स, ओके सो प्लीज। सिनत मेरी सिनत सुन सुन। तब क्या है साहिर? होता है कभी कभी वक्त के साथ रिश्तों की कशिश थोड़ी फीकी पड़ जाती है, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा करके उसे बनाना पड़ता है ताकि वो हमेशा नया रहे। मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए तुम्हारा, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर तुम रात भर पार्टी करती रहोगी, सुबह नशे की हालत में वापस आओगी तो वक्त कैसे दे पाओगी? तुम क्या चाहते हो, दिन भर पाँव पर मेहंदी लगाकर घर पर बैठी तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, तुम्हारी पोएट्री सुनूंगी, पेंटिंग्स देखूंगी, शायरी सुनूंगी? फॉर गॉड सेक साहिर, मेरा दम घुटने लगा है। I have a life, you know. अब क्या? मेरी मोहब्बत से तुम्हारा दम घुटता है? हाँ। तो हम साथ में क्या कर रहे हैं? यही सवाल तो मैं अपने आप से कर रही हूँ साहिर, कि हम दोनों साथ में क्यों हैं? तुमने मुझसे एक वादा किया था, याद है तुम्हें? उसे पूरा नहीं कर पाए ना अब तक। तुम देख सकती हो दिन रात में तुम्हारे वादे को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा। You're too slow, साहिर। और वक्त बहुत तेज है और मुझे तुम्हें देने के लिए और वक्त नहीं है। साहिर अब हमारे रिश्ते का वक्त खत्म हो चुका है, अब हम साथ में नहीं रह सकते। आई नीड अ डिवोर्स। तुमने मुझसे एक वादा किया था, याद है तुम्हें? उसे पूरा नहीं कर पाए ना अब तक। You're too slow, साहिर। और वक्त बहुत तेज है और मुझे तुम्हें देने के लिए और वक्त नहीं। अब हम साथ में नहीं रह सकते। I need a divorce. हमारी ओर देखिए, हम आपसे इजाजत मांगना चाहते हैं। इजाजत? आपके कंधे पर सर रख के रोने के लिए। अपना दर्द हमारे साथ बांटने के लिए शुक्रिया।
हम आपके दिल की धड़कन सुन सकते हैं। इसमें छुपे दर्द को पहले हमने महसूस किया था, लेकिन अब हम समझ भी गए। साहिर, साहिर, इस दुनिया में कोई भी इंसान आपसे नफरत कर सकता है, आपकी मोहब्बत के बदले बेवफाई कर सकता है, लेकिन हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। गुजरा हुआ कल या आने वाला कल कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। हम सफर तो हम पहले से थे, लेकिन अब हम दर्द बन गए। और आपको पता है ना, इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता दर्द का होता है। ये रिश्ता हम पूरी जिंदगी निभाएंगे, मरते दम तक।
दरवाजा खोला, मेरी बात सुनो। साहिर बेटा, साहिर देखो जीनत को क्या हो गया। साहिर बेटा, पता नहीं जीनत को क्या हो गया। चलो चलो मेरे साथ चल। साहिर और आरजू को कभी एक नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। आइए साहिर, देखिए मेरी सिर कैसे गिरी, देखो इसे। कैसे अल्लाह तो मेरी बच्ची। जीनत, जीनत, मेरी बच्ची। सारी मेरी गलती, मेरा गुनाह। कुर्सियां पर ये नीचे कैसे? मुझे नहीं पता साहिर, मैं यही थी। मैं एक पल के लिए बाहर गई पर वापस आई तो मेरी बच्ची गिरी हुई थी। कैसे हुआ ये पता नहीं, कौन मारना चाहता है मेरी बच्ची को? कैसे गिरी जीनत, मुझे कुछ नहीं पता। सारा मेरा गुनाह, सारी मेरी गलती है। नहीं कुर्ती आप, आपकी कोई गलती नहीं, अपने आप को मत कोसिए। आप तो पूरा ख्याल रखती हैं जीनत का। सारी मेरी गलती है, सारी। आपकी कोई गलती नहीं कुर्ती आप। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.